2013 दिसंबर में उस समय की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने विक्रांत युद्ध नौका को भंगार वाले को 60 करोड़ में बेचने का निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी ने निषेध किया। 10 दिसंबर 2013 को एक प्रतीकात्मक सिंबोलिक निधि संकलन का कार्यक्रम हमने सिर्फ एक कार्यक्रम किया, 11,000 रुपए इकट्ठे हुए। और आज 10 साल के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि क्रिप्ट तुम्हें 58 करोड़ चुराए, उसमें से 4 बिल्डर के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर किए। इसके पहले भी 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए, एक का भी एविडेंस नहीं। मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है। शिकायतकर्ता बोलता है कि संजय राउत के प्रेस स्टेटमेंट को लेकर हम आए। राउत साहब, 17 दिसंबर 2013 को जब हम राष्ट्रपति जी को मिले थे, राज्यपाल के पास हम लोग गए थे, तब राष्ट्रपति जी के पास में शिवसेना के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में थे, तब भी हमने राष्ट्रपति जी को ये बात की थी, ठाकरे सरकार के घोटालेबाजों पर अंतिम कार्रवाई होने तक किरीट सोमैया दबेगा नहीं, हटेगा नहीं, हम उच्च न्यायालय में सब जानकारी रखेंगे।